असलकुम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर ट्वेंटी एट फ्राम जोलॉजी बाई मिलर एंड हार्ले इट्स आल अबाउट थर्मो रेगुलेशन एंड ओसमो रेगुलेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन सो टम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए मेटाबोलिज़म को इफ़ेक्ट करता है ठीक है और अगर हाई टेम्परेचर होगा एक स्पेसिफिक पॉइंट तक तो मेटाबॉलिज्म बहुत रैपिड होगा यानी अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तो मेटाबॉलिक इवेंट्स जो हैं वो रैपिडली होंगे अब टेम्परेचर को मेंटेन कैसे रखते हैं इसके डिफ़रेंट वेज होते हैं और ये जो टेम्परेचर मेंटेनेंस का अमल होता है ना इसे हम थर्मो कहते हैं थर्मो रेगुलेशन क्या होता है कि एक्सटर्नल में में जितने मर्जी चेंजेस आ जाएं में, जो हमारी बॉडी का इन्वायरमेंट है ना इंटरनल इन्वायरमेंट वो स्टेबल रहे स्टेबल इन सेंस कि एक फिक्स पॉइंट पे स्टेबिलिटी नहीं है ये बल्कि ये रेंज है एक स्टेबिलिटी की ठीक है अच्छा अगर जो है टेम्परेचर मेनटेन ना हो सके हाई टेम्परेचर हो जाए ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो डी हो जाएगी आपको पता है इंजाइम्स डी हो जाते हैं प्रोटीन्स बेसिकली डी हो जाती हैं ठीक है ठीके? अगर लो टेम्परेचर होगा तो कागुलेशन हो जाएगी यानी जो मेम्ब्रेन की फिल्यूडिटी होती है ना प्लाज्मा में की उस पर इफ़ेक्ट होगा अब यहाँ पे हिसाब लगाएं कि जो डाइजेस्टिव इंजाइम है ह्यूमन बॉडी में वो थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करते हैं जबकि ट्राउट के डाइजेस्टिव सिस्टम में वही इंज़ाइम्स टेन डिग्री सेंटीग्रेड पे डिपेंड काम कर रहे हैं तो ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है टेम्परेचर मेंटेनेंस पे अच्छा अब टेम्परेचर को मेनटेन करने के वेज कितने होते हैं बॉडी टेम्परेचर एक्चुअली इक्वल होता है मेटाबोलिक हीट प्रोडक्शन के और हीट फ्राम इन्वायरमेंट के यानी जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू हीट प्रोड्यूस होती है या इन्वायरमेंट के थ्रू जो हीट प्रोड्यूस होती है और जो हीट उसको अगर हम उसमें से उस हीट को माइनस कर दें जो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती है रिलीज हो जाती है तो बाकी हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है ये हीट गेन और लॉस के ना फोर वेज होते हैं कंडक्शन है कन्वेक्शन है अवेपोरेशन रेडिएशन कंडक्शन आपको पता है कि ये टू वर्ड्स का कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होता है ट्रांसफ़र हीट का और ये तब होता है जब दो सर्फेसिस जो हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हों तो हीट जो है वो गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ मूव करेगी कन्वेक्शन क्या होता है कि ये बेसिकली एयर की मूवमेंट होती है सरफेस के ऊपर अगर एयर जो है वो वार्म होगी तो वो क्या करेगी वो हीटनेस देगी बॉडी को और अगर एयर जो है वो कोल्ड होगी तो वो क्या करेगी हीट ले लेगी बॉडी से अब वेपोरेशन आपको पता है वाटर मालिक्यूल जो हैं वो वेपर्स की फॉर्म में हवा में चले जाते हैं अच्छा इसमें क्या होता है कि इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना वो ब्रेक हो जाती है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है रेडिएशन में क्या होता है कि ये ऐसे ऑब्जेक्ट से एनर्जी आती है ऐसे ऑब्जेक्ट से हीट आती है जिनके साथ हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते जैसे सन से रेडिएशन आ रही होती हैं अर्थ पे उसके बाद हमारे पास हैं सोर्सेज ऑफ हीट प्रोडक्शन की बेस पे ना हमने एनिमल्स को डिवाइड किया है टू कैटेगरीज में एक्टोथम्स हैं एंडोथम्स हैं और बॉडी टेम्परेचर की बेस में भी हमने दो कैटेगरीज बना दी हैं होमोथम्स एंड हैट्रोथम्स अब एक्टोथम्स क्या होते हैं एक्टो आउटसाइड ठीक है इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए यानी ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हीट लेते हैं अपनी हीट खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते जैसे एम्फीबियंस हैं जैसे फिशेज हैं और जैसे एंडोथम्स एंडोथम्स क्या होते हैं ये अपनी मेटाबॉलिक हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं जैसे बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं बॉडी टेम्परेचर के बेस पे अगर हम देखें तो होमोथम्स हैं और हेट्रोथम्स हैं होमोथम्स कौन से होते हैं जो अपना कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं डिस्पाइट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल इन्वामेंट और हेट्रोथम्स कौन से होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन नहीं कर सकते नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर रेगुलेशन इन इन्वर्टिड्स अब बेसिकली जो इन्वर्टिड्स होते हैं ना ये कह लें हाइड्रोथम्स होते हैं यानी कि अपने बॉडी टेम्परेचर को ना मेनटेन नहीं रख सकते इनका वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर होता है अच्छा अब इनमें क्या होता है लो मेटाबॉलिक हीट होती है सॉरी लो मेटाबॉलिक रेट्स होते हैं और हीट जनरेशन नहीं होती इसके अलावा ये पैसिवली कन्फॉर्म करते हैं टेम्परेचर ऑफ़ एक्सटर्नल इन्वामेंट यानी जितना एक्सटर्नल इन्वामेंट का टेम्परेचर होता है ना उसके हिसाब से ये खुद को कह लें मेनटेन करते रहते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को अच्छा अब इनमें कुछ जो होते हैं ना उनमें स्पेसिफ़िक क्वालिटीज़ भी होती हैं जैसे हार्श वू क्रैप है ना तो वो सेंस कर सकता है थर्मल वेरिएशंस को यानी जहाँ पे टेम्परेचर चेंज आएगा वो उस चीज़ को सेंस कर सकता है टिक्स हैं टिक्स क्या करती हैं कि आपको पता है ना कि खटमल वगैरह जो होते हैं ठीक है ये ब्लड पे फीड करते हैं तो ये अपने जो ब्लड की उसकी सेंस होती है ना इसकी ऐसी सेंस डिवेलप होती है कि ब्लड की स्मेल को ये महसूस कर लेती है यानी वामनेस को वामनेस को बेसिकली महसूस करती है ये अच्छा उसके बाद नेक्स्ट ये मेकानिज़म फॉर अवॉइडिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम्स अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कोल्ड टेम्परेचर के लिए क्या क्या इनके पैरामीटर्स हैं अब कोल्ड टेम्परेचर के लिए ना ये अपनी बॉडी में रखते हैं एंटी फ्रीज कंपाउंड्स वो अल्कोहल्स वगैरह हो सकते हैं ग्लिसरोल या ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह हो सकती हैं ठीक है पहला तो क्या करते हैं कि वाटर कॉन्टेंट्स को ही कम कर लेते हैं अपनी बॉडी में ठीक है और दूसरा ये क्या करते हैं अगर वाटर कॉन्टेंट्स फिर भी हों तो ये क्या करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स और पोली अल्कोहल स्टोर कर लेते हैं उसके बाद मॉथ्स एंड द बंबल बीज मॉथ्स और बम्बल बीज क्या करते हैं ये रिड्यूस करती हैं अब ये जो मेटाबॉलिक हीट है ना अच्छा नहीं ये क्या करेंगी कि शिवरिंग कंट्रेक्शन करेंगी यानी हीट प्रोड्यूस करेंगी थोरेसिक फ्लाइट मसल से और वार्म अप हो जाएंगे शिवरिंग कंट्रेक्शन ऑफ देयर थोरेसिक फ्लाइट मसल्स बम्बल बीज एंड मॉथ्स जैसे सिल्क मॉथ होता है सिल्क बम वगैरह लार्ज फ्लाइंग इंसेक्ट क्या करते हैं ये खुद को ओवर हीट होने से बचाते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो हीट होती है ना उसको भेज देते हैं अबडोमन और थॉरक्स की तरफ वहाँ से वो रिलीज हो जाती है आउटसाइड अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या है साइकैड साइकैड्स में ना जैसे कह लें कि हमारी बॉडी में होता है ना स्वेटिंग का सिस्टम वैसे इनमें भी एनालॉजिकली वैसे ही होता है ठीक है यानी ये क्या करते हैं कि वाटर को रिमूव कर देते हैं हीमोस्टील से आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ पोर्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी सर्फेस बास्किंग इंसेक्ट्स नाम इंडिकेट कर रहा है हैं ये अपनी पोजीशंस मेंटेन कर लेते हैं सूरज के सामने और हीट ले लेते हैं ग्राउंड ये क्या करते हैं ये चाहते हैं कि इनकी हीट जो है वो लॉस ना हो ना हो हीट लॉस ना ना तो ये अपनी बॉडी को रेज कर लेते हैं ग्राउंड से ऊपर की तरफ कैटल पिलर और लोकस क्या करते हैं ये सन और विंड के लिहाज से अपनी ओरिएंटेशन को मेंटेन कर लेते हैं डेजर्ट डिवेलिंग बीटल्स क्या करती हैं डेजर्ट में आपको पता है ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वाटर बहुत कम होता है तो इनके लिए नेसेसरी होता है कि ये वाटर का लॉस ना करें ठीक है तो ये क्या करती हैं वैक्सी लेर अपनी बॉडी के गीच से कर लेती हैं जिसे ये क्या कहती हैं वैक्स ब्लूम्स ठीक है वो पोर्स बने होते हैं इनकी बॉडी पे वहाँ से वैक्स क्रिएट करती जाती हैं और ये इनको प्रिवेंट करती है डिहाइड्रेशन से अच्छा उसके बाद हम बात करेंगे फिशेज की फिश जो है वो आपको पता है ऐसे इन्वायरमेंट में रहती हैं जो बहुत ज़्यादा कोल्ड है ठीक है कोल्ड इन्वायरमेंट में रहती हैं तो इनकी बॉडी में क्या होना चाहिए एक तो वाटर कॉन्टेंट्स कम होने चाहिए और दूसरा इनकी बॉडी में सम सॉर्ट ऑफ फ्रीजिंग एंटी फ्रीजिंग एजेंट होना चाहिए तो इनमें क्या होता है ग्लिसरोल्स वगैरह होते हैं ग्लाइको प्रोटीनस होती हैं वाटर सोलिबल पेप्टाइड्स होते हैं ठीक है इसके अलावा इनमें ऐसी प्रोटीनस भी होती हैं जो क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होने देती क्रिस्टलाइजेशन नहीं होने देती इस तरह ये क्या करती हैं कि इजीली स्विम कर सकती हैं अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए उसके बाद एक्टिव फिशेस कुछ फिशेस बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं जैसे शार्क्स वगैरह हैं ट्यूना है तो इनमें क्या होता है कि इनमें ना रेड स्विमिंग मसल्स होते हैं सबसे पहले तो स्किन के नीचे ना मेजर रेड ब्लड वेसल्स होती हैं मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी ब्रांचेस बनी होती हैं आगे वेसल्स की और वो ब्रांचेस जो हैं वो ब्लड कहाँ पे लेके जाती हैं रेड स्विमिंग मसल्स में रेड स्विमिंग मसल में क्या होता है कि स्मॉल कैपिलरीज अरेंज होती हैं काउंटर करंट मैकेजम में ठीक है यानी वीनस ब्लड जो है वीनस ब्लड जो है उससे जो हीट है रेड मसल हीट जनरेट करते हैं ना तो वो जो है वो उसका लॉस नहीं होता क्यों क्योंकि वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है वीनस ब्लड को जिसमें क्या होता है हीट कम होती है ठीक है एक्टिविशीज़ क्या करती हैं स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं जो जिनके आगे से ब्रांचेस बनी होती हैं ब्रांचेस ब्लड को कहाँ पे लेके जाती हैं रेड स्विमिंग मसल्स में लेके जाती हैं वो हीट जनरेट करते हैं वहाँ पर स्मॉल कैपड़ीज़ होती हैं काउंटर करंट एक्सचेंज मैकानिज़म में अब वो स्मॉल कैपड़ीज में क्या होता है कि वहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है हीट का यानी आर्टेरियल ब्लड से हीट जो है वो विनस ब्लड में चली जाती है और वो जनरे कह लें उसका लॉस जो है वो नहीं होता सॉरी वीनस ब्लड से ना नीनस से चली जाती है आर्टेरियल ब्लड में ठीक है विनस ब्लड जो रेड मसल्स में था ना ब्लड उससे वो आर्टेरियल ब्लड में चली जाएगी ठीक है समझ आ गई ना कि ब्रांचेस जो हैं वो आएंगी रेड स्विमिंग मसल में वो हीट जनरेट करेंगे और जो विनस ब्लड है वहाँ से हीट किस में चल जाएगी आर्टेरियल ब्लड में और इनकी मस्कुलर कन्ट्रैक्शन फ़ोर टाइम्स ज़्यादा होती हैं दैन द अदर फिशेस एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात करें तो आपको पता है कि डिफ़िकल्ट होता है इनमें बॉडी हीट को प्रोड्यूस करना और अगर प्रोड्यूस करें भी तो इसको रिलीज़ कर सकते हैं आउटसाइड कर देते हैं अच्छा इन एम्फीबियन की स्किन में आपको पता है म्यूकस लेयर होती है जो कि फैसिलिटेट करती है रिमूवल ऑफ वाटर को तो फिर ये क्या करते हैं कि ये बेसिकली मॉइस्ट प्लेस में ही रहते हैं अच्छा उसके बाद रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो रेप्टाइल्स में क्या होता है ड्राई स्किन होती है ठीक है और वो ए, क्या कहते हैं कि मॉडिफाइड होती है स्केल्स वग़ैरह में एक्सपेंडिबल रिप केज होता है जो पावरफुल वेंटिलेशन में इन्वॉल्व होता है इसके अलावा ये एक्टोथर्म्स होते हैं टोटल क्या करता है कि वो खुद को स्लाइवा माउथ और बैक में स्लाइवा लगा के खुद को कह लें कि कूल रखता है यूरिनेशन करता है लेग्स वगैरह पे बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो ये आपको पता है होमोथम्स एज वेल एज एंडोथम्स होते हैं थर्टी फाइव से फोटी टू डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ये बेयर कर सकते हैं मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं कूलिंग मैमल्स में क्या होता है कूलिंग के लिए स्पेसिफिक प्रोसेस होता है कौन सा प्रोसेस होता है प्रेसपायरेशन यानी कि स्वेट प्रोडक्शन बर्ड्स में क्या होता है पेंटिंग होती है उसमें क्या होता है हीट लॉस होती है वाया एवेपोरेट कूलिंग इसके अलावा बर्ड्स में एक पाउच होती है थ्रोट में जिसे हम गुलर पाउच कहते हैं और वो क्या करती है कि इंक्रीज करती है अवेपोरेशन फ्राम द रिस्परेट्री सिस्टम इंक्रीज अवेपोरेशन फ्राम द रिस्परेट्री सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम से अवेपोरेशन को इंक्रीज करती है यानी बर्ड्स और मैमल्स होमोथम्स और एंडोथम्स होते हैं और मेटाबॉलिक हीट के थ्रू थर्टी फाइव से फोर्टी टू डिग्री सैनिक टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं कूलिंग मैमल्स uh, में प्रेस्परेशन का प्रोसेस होता है बर्ड्स में पेंटिंग होती है इसमें इसके अलावा इनमें एक पाउच होती है जिसे गुलर फ्लटर कहते हैं और वो पाउच क्या करती है गुलर पाउच और गुलर फ्लटर uh, वो क्या करती है कि इंक्रीज़ करती है वेपोरेशन फ्राम द रिस्परेटरी सर्फिस हीटिंग के लिए बर्ड्स में फ़ैदर्स होते हैं स्पेशली डाउनी फीदर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डाउनी फीदर्स क्या करते हैं एयर को ट्रैप कर लेते हैं सो विच फीदर्स आर इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ थर्मोरेगुलेशन रेगुलेशन डाउनी फीदर्स अक्वेटिक स्पीशी में हीट लॉस हो जाता है लेग्स वगैरह से अच्छा इसमें वहाँ पे क्या अडोपटेशंस होती हैं या तो काउंटर करेंट हीट एक्सचेंज मैकानिज़म में वैसल्स अरेंज होती हैं और यहाँ फिर फैट लेयर्स वग़ैरह प्रेजेंट होती हैं इसके अलावा ब्लबर है ब्लबर प्रेजेंट होती है वेल्स में इसमें थिक लेयर है फैट की अंडर द स्किन और बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन कहते हैं थर्टी सिक्स से थर्टी एट डिग्री में जिनमें ब्लबर नहीं होता वहाँ पे काउंटर करंट सिस्टम होता है आर्टरीज और वेंस का यानी कैपिलरीज का थर्मोजेनेसिस होता है हीट प्रोडक्शन ठीक है हीट प्रोडक्शन के बेसिकली दो वेज होते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है शिवरिंग में क्या होता है मसल्स की इन्वॉलमेंट होती है मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हीट प्रोड्यूस होती है नॉन शिवरिंग थर्मोजेंसीज़ में हारमोन्स की इन्वॉलमेंट है नॉन शिवरिंग थर्मोजेंसीज में स्टीमुलस जाता है थायराइड ग्लैंड को तो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि इंक्रीज़ कर देता है परमिबिलिटी ऑफ़ मनी सेल्स टू सोडियम आयंस ठीक है थायरोक्सिन क्या करता है परमिबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है सोडियम आयंस के लिए ए पंप जो है वो सोडियम आयंस को आउटसाइड कर मूव uh, करते हैं और उससे क्या होता है एटीपी आपको पता है यूज़ होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हीट प्रोड्यूस होती है अच्छा ब्राउन फ़ैट क्या होते हैं ब्राउन फ़ैट बेसिकली प्रेजेंट होते हैं कूल कूल एरिया में रहने वाले मैमल्स के लिए उसके अलावा जो हाइबरनेट करते हैं मैमल्स उनके लिए इसके अलावा जो न्यू न्यूबॉर्न होते हैं इनमें क्या होता है इनका ब्राउन कलर होता है आयरन की वजह से होता है साइटोक्रोम्स होते हैं ना जिनमें आयरन प्रेजेंट है और ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स उसके अलावा हाइपोथैलेमस में आपको पता है सेट पॉइंट होता है हमारी बॉडी का और ये थर्मोरेगुलेशन को कंट्रोल करता है नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीशन एंड ओसमो रेगुलेशन की एक्सक्रीशन आपको पता है रिमूवल होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का और जो ओसमो रेगुलेशन है वो मेंटेनेंस है सिल्यूड और वाटर बैलेंस की इन आवर बॉडीज़ सबसे पहले हम देखेंगे इन्वर्टिब्रेट एक्सक्रीटरी सिस्टम अब जो इन्वर्टिब्रेट मेरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं ना उनको तो ओस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है ठीक है क्योंकि वो अपने बॉडी टम्परेच बॉडी फिल्यूड को मेनटेन कर लेते हैं जिस तरह का उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है ठीक है लेकिन जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनको ओस्मो रेगुलेट्री ऑर्गन जो है वो चाहिए होता है जैसे स्पॉन्जेस और प्रोटोज हुआ है इनमें कंट्रक्टाइल वेक्यूल्स होते हैं ओसमो रेगुलेशन के लिए प्रोटोनिफ्रीडिया होते हैं जी प्लेटी हलमन्थिस में ठीक है इनमें क्या होता है इसके अलावा रोटीफर्स में होते हैं एनेलिड्स में अब इनमें क्या होता है कि फ्लेम सेल सिस्टम जो कि हमने प्लेटी हलमन्थिस में डिटेल से पढ़ा था के नेटवर्क होता है टिब्यूल्स का जो एंड होती हैं ब्लाइंड एंडिंग सेक्स में और वहाँ एंड पे सीलिया होते हैं ठीक है जो फिलियुड को ड्राइव करते हैं इन ब्लाइंड एंडिंग सेक्स में और रिमूव हो जाता है आउटसाइड थ्रो द निफीडियो पोर मेटा की बात करें तो मेटा जो है ना ये प्रेजेंट होते हैं एनिलिड्स में अच्छा एक बात याद रखनी है एनीलिड्स में प्रोटोनिफ्रीडिया भी हो सकते हैं मेटा भी अच्छा और उसके बाद मेटा जो है ये ओपन होते हैं आउटसाइड एज वेल एज इंटरनल टू द बॉडी फिल्यूड और ये मल्टी सेलुलर होते हैं एनालिड्स में प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट हमारे पास है कि जो एनालिड्स होते हैं ना उनमें आपको पता है सेगमेंटेड बॉडी होती है तो हर सेगमेंट में ना पेयर होता है मेटानेफ्रीडिया का अच्छा ये जो है इसमें सिलिएटिड फनल होती है मेटा में जिसे हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं ये ओपन होती है बॉडी कैविटी में ऑफ द नेक्स्ट सेगमेंट ठीक है अच्छा उसके बाद एंटीनल ग्लैंड और मैक्सिलरी ग्लैंड है ये एंटीनल ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट होते हैं बेसिकली आर्थोपोर्स में ठीक है इनमें क्या होता है जैसे ये क्लास रक्नीडा वगैरह में प्रेजेंट होते हैं ये एंटीना के नज़दीक होते हैं और फ्ल्यूड जो है उसको फ़िल्टर कर लेते हैं फ्लूड हीमोसिल में प्रेजेंट होता है ना ग्लैंड उसको फ़िल्टर करते हैं और उसको भेज देते हैं एंटीनल ग्लैंड में मैगजीलरी ग्लैंड क्या होते हैं नियर द मैगजीला प्रेजेंट होते हैं इनमें विद इन द टिब्यूल ही कलेक्ट होता है और यूरन जो है उसकी मोडिफिकेशन की जाती है रिब्जॉपन और सक्रीशन से मलपीजियन टिब्यूल जो हैं ये गट के साथ एसोसिएट होती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम आइंस का ट्यूब्स में सोडियम आइंस एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और वाटर उसको फॉलो करता है पैसिवली यूरिक एसिड सक्रीट करते हैं ये ठीक है उसमें भी रिब्जॉपन होती है कॉकसर ग्लैंड की बात करें तो ये बेसिकली एरक्डा में होते हैं इनमें क्या होता है कि नाम कागजल ग्लैंड क्या है कि ना से अरेक्निड्स में प्रेजेंट होते हैं स्फेरिकल सेक्स हैं ठीक है वेस्ट जो है वो कलेक्ट होता है हीमोलिम्फ में और उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है नियर द कागजल सेगमेंट ऑफ लेग अरेक्निड्स में क्या होता है मल्पीजियन टिब्यूल्स होती हैं नेक्स्ट है वर्टिब्रेट किडनी वेरिएशंस वर्टिब्रेट किडनी वेरिएशंस तीन तरह की हैं प्रोनेफ्रोस है मिजोनेफ्रोस है एंड मेटानेफ्रोस है और इनका डिफरेंस किस बेस पे है ये एक्चुअली डिफरेंस है कह लें कि जो नेफ्रोन्स है ना उनकी बेस पे। प्रोनेफ्रोस में सबसे कम होते हैं और मेटानेफ्रोस में सबसे ज़्यादा होते हैं प्रोनेफ्रोस बेसिकली फंक्शनल किडनी हैग फिशेस का और फिशेस और एम्फीबियन का ये एम्ब्रियनिंग किडनी है और ये प्रेजेंट नहीं होता रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स में ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास मिजोनफ्रोस मिजोनफ्रोस एम्ब्रियनिंग किडनी है रेप्टाइल्स का मैमल्स का एमनीअस का ठीक है और मेटानेफरोज जो है वो फंक्शनल किडनी है रेप्टल बर्ड्स और मैमल्स का उसके बाद ओसमो रेगोलेशन हमने देख लेनी है सबसे पहले हम शार्क में देखते हैं तो प्रॉब्लम्स इसमें क्या होती हैं कि सल्यूट कंसनट्रेशन आउट साइड द बॉडी सल्यूट बहुत ज़्यादा है इन साइड द बॉडी सल्यूट कम है तो ये सल्यूशन इसका क्या करती है एक तो क्या करती है एक्टिव अपटेक हो जाता है साल्ट का रेक्टल ग्लैंड होते हैं इसमें ठीक है जो एक्टिवली अपटेक करते हैं आ, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ना इसमें क्या होता है यूरिया यूरिया और ट्राई मिथाइल ऑक्साइड होते हैं अच्छा एक बात रेक्टल ग्लैंड जो है ना ये एक्स्ट्रा सिल्यूट को रिमूव करते हैं ठीक है जो शार्क की बॉडी में प्रेजेंट होता है ना एक्स्ट्रा सिल्यूट उसको ये रिमूव करते हैं रेक्टल ग्लैंड्स यूरिया और ट्राई मिथाइर ऑक्साइड ना ये अपनी बॉडी में एकामुलेट कर लेते हैं बैलेंस रेट पे ठीक है जिसको हम क्या कहते हैं काउंटर एक्टिंग ऑस्मोलाइट स्ट्रेटजी फ्रेश वाटर फिशीज़ की बात करें तो इनमें मीजोनेफ्रिक किडनी होता है बॉडी फ्लूड हाइपर ओस्मोटिक है टू फ्रेश वाटर सल्यूशन क्या करते हैं इनमें सेल्यूशंस है वाटर ड्रिंक नहीं करते साल्टी फूड खाते हैं बॉडीज पे म्यूकस होता है ट्रांसपोर्ट करते हैं साल्ट की और डाइल्यूट यूरन प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद मेरीन फिशेस की बात करें तो इनमें इससे उल्ट होता है ये बहुत ज़्यादा पानी पीती हैं क्योंकि ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहती है जहाँ पर साल्ट ज़्यादा है तो ये वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करती हैं और सक्रीट कर देती हैं आयंस को गिल्स के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी आयंस लेती हैं और कंसनट्रेट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं इसके अलावा कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जो कि माइग्रेट करती रहती हैं जैसे सैलम है ये स्विम करती है फ्रेश वाटर से और मेरीन इन्वायरमेंट में जाती है ठीक है और स्पॉनिंग के लिए ये वापस फ्रेश वाटर में आती है एम्फीबियंस जो हैं ये अडोप्टिड होते हैं देयर इन्वायरमेंट के किडनी इनके फ्रेश वाटर फिश की तरह के होते हैं यानी इनके लिए प्रॉब्लम्स क्या हुई फिर कि ये बिल्कुल भी पानी नहीं पीते ये साल्टी फूड खाते हैं ठीक है और डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं और मॉइस्ट प्लेसेस में रहते हैं अच्छा एम्फीबियन में क्या होता है जो यूरनी ब्लैडर है ना वो आयंस और वाटर स्टोर कर लेता है और इसके अलावा ये क्या होता है कि जब ड्राई इन्वायरमेंट आता है ना तो इसको स्टिमुलस मिलता है ब्रेन से हारमोन आता है ठीक है तो वो यूरन को कह यूरिनी ब्लैडर को कहता है कि वो जो उसने स्टोर की हुई या चीज़ें उनको रिलीज़ कर दे अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे रेप्टाइल्स में रेप्टाइल्स में होते हैं जी मेटानेफ्रिक किडनी और ये जो है ओसमो रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं प्रॉब्लम्स इनमें क्या है कि ये डेजर्ट में रहते हैं साल्टी फूड खाते हैं ठीक है हाई साल्ट कंसनट्रेशन होती है इनमें तो अब इनमें में सोल्यूशन क्या है कि ये साल्ट को रिमूव कैसे करते हैं साल्ट ग्लैंड होते हैं या तो टंग टंग में होते हैं ठीक है जो रिमूव करते हैं एक्सेस साल्ट या आई के नज़दीक होते हैं और ड्रॉप्स की तरह एक्सेस साल्ट को रिमूव कर देते हैं सो so, रेप्टाइल्स में प्रॉब्लम्स क्या थी साल्टी फ़ूड की ठीक है इनमें जो साल्ट कंसनट्रेशन है ना बहुत ज़्यादा है इसके अलावा ये साल्टी फूड खाते हैं तो साल्ट ज़्यादा हो जाता है इसलिए ये साल्ट ग्लैंड होते हैं इनमें आई के नज़दीक होते हैं और नीयर द टंक प्रेजेंट होते हैं अच्छा उसके बाद लंग्स के थ्रू भी वाटर लॉस हो सकता है नेजल कैविटी के थ्रू वहाँ पे भी काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है यानी जब एयर अंदर जाती है ना तो वो क्या होती है कि ये जो नेजल कैविटीज होती हैं कि अपनी हीट एयर को दे देती हैं वार्म हीट अंदर जाती है जब हीट लंग्स से वापस आती है ना तो नेजल कैविटीज़ चूंकि ज़्यादा कूल होती हैं इसलिए वो अपनी हीट नेजल कैविटीज़ को दे दी जा दे जाती है इसलिए ये जो आ, कह लें कि ये इस तरह क्या करते हैं स्टोर करते हैं वाटर को प्रिवेंट करते हैं इसके लॉस से नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्टिव रेड सॉरी नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेटानेफ्रिक किडनी वर्क्स यानी अब हमने काम देखना है कि मेटानेफ्रिक किडनी काम किस तरह करते हैं फिल्ट्रेशन डिवाइस कौन सी है नेफ्रोन है वन मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं मेटनफ्री किडनी में नेफ्रोन का स्ट्रक्चर स्टार्ट कहाँ से होता है एक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोमैंस कैप्सूल कहते हैं इसमें क्या होता है एफिरेंट आल्ट्रियुल्स एंटर होती हैं ब्रांच होकर कैपिलरीज बना देती हैं उन कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं ग्लोमेरुलस की जो वॉल्स हैं वो पोरस होती हैं उनमें फिल्ट्रेशन स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं और ब्लड प्रेशर जो है फोर्स करता है फिल्यूड को इन टू दै ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में क्या होता है नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है और यूज़फुल कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे ग्लूकोज़ वगैरह और एक और बात जो लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं वो इस फिल्ट्रेट को क्रॉस नहीं कर सकते सिर्फ स्मॉल मालिक्यूल्स जो होते हैं ना वो क्रॉस कर सकते हैं इस फिल्ट्रेट को अब क्या होता है लार्ज मालिक्यूल्स जो हैं वो इफीट आर्ट्यूल्स के थ्रू वापस चले जाते हैं इफीट आर्ट्यूल्स डिवाइड होकर क्या बना देती हैं पेरी ट्यूबुलर कैपरीज पेरी ट्यूबुलर कैपरीज जो है ना वो ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रोन के गिर्द ऐसे घेर लेती हैं उसको ठीक है प्रॉक्सिमल कानवोलेटि टिब्यूल होती हैं बियाण्ड द कैप्सूल अच्छा उसके बाद नेक्स्ट में क्या नेक्स्ट है लूप ऑफ हैनले है ठीक है डिजिटल कानवोलेटि टिब्यूल है रिब्जॉपन वगैरह इसमें हो जाती है लास्ट पोर्शन क्लेक्टिंग डक्ट है जिसमें वाटर रिब्जाप्शन होती है ह्यूमन यूरिन होता है फोर टाइम्स कंसनट्रेट कैमल यूरन्स एट टाइम कंसनट्रेट दिस कंसनट्रेशन इज इन कंपैरिजन विद द ब्लड प्लाज्मा जर्बल्स फोर्टीन टाइम्स माइस ट्वेंटी टाइम्स उसके बाद नेक्स्ट बेंडिंग ऑफ लूप जो है ये हेल्प करती है वाटर की रिब्जॉर्प्शन में ठीक है काउंटर ग्रैंड एक्सचेंज मेकानिज़म देख लेते हैं हम आप लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का अच्छा जी लूप ऑफ नेफ्रोन उसमें क्या होता है वाटर की रिब्जॉपन होती है ठीक है अब सबसे पहले है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटि टिब्यूल वहाँ पे क्या होता है फिल्ट्रेट का वॉल्यूम ट्वेंटी फाइव परसेंट कम होता है साल्ट और वाटर रिब्जॉपन होती है ठीक है डिसेंडिंग लिब ऑफ लूप ऑफ हैं फर्स्ट वन प्रोक्सीमल कॉन्वोलेटि टिब्यूल सेकेंड क्या है लूप ऑफ हैंन डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंन ले वहाँ पर वाटर की रिब्स ऑप्शन होती है वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू रिमूव हो जाता है आउटसाइड असेंडिंग लिप असेंडिंग लिब में क्या होता है सोडियम आइंस की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है क्लोराइड आइंस उसको पैसिवली फॉलो करते हैं जब यहाँ से साल्ट जो है वो बाहर की तरफ जाएगा तो डिसेंडिंग लिप से ऑटोमेटिकली वाटर अंदर की तरफ आएगा इस तरह क्या होता है कि एक कह लें कि काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म डिवेलप हो जाता है अच्छा उसके बाद डिस्टल कॉन्लेटिव टिब्यूल डिस्टल कॉन्वोलेटि टिब्यूल जो है ना वो जाती है आगे यूरिया में सॉरी कलेक्टिंग डक्ट में जो कि परमिएबल है यूरिया के लिए अब कलेक्टिंग डक्ट में यूरिया आउटसाइड जाएगा तो लूप ऑफ हेलने से और वाटर बाहर की तरफ जाएगा ठीक है अब इससे क्या होगा कि वाटर डिब्जॉपन मैक्सिमम हो जाएगी देन क्या है पेरी ट्यूबुलर कैपरीज इस वाटर को ले जाती हैं और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रिलीज़ कर देती हैं रीनल पेल्विस से यूरीटर है यूरीटर से यूरिनरी ब्लैडर जो एम होता है इन द यूरिथ्रा यूरिनरी ब्लैडर जो है फिल होता है यूरिन के साथ टेंशन इंक्रीज होती है स्मूथ मसल्स में यूरिनरी ब्लैडर के तो टेंशन को रिलीज़ करने के लिए स्विंगटर मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं यूरिनेशन होती है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं मिकचूरेशन रेफ्लैक्स सो ये था चैप्टर नंबर ट्वेंटी इंशाल्लाह बाकी जो चैप्टर हैं फॉर्म एंड फंक्शन के वो भी मैं आज अपलोड कर दूँगी सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू